हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस टेस्ट के स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एन और वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? अगर एन प्लस वन ग्रेटर देन एन है तो एफ एन प्लस वन अगर लेस देन एफ एन है। ठीक है, मतलब अगर मेरा फंक्शन, एक तो फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है देन प्रूव दैट द सीरीज समीशन एफ एन एंड समीशन टू की पावर एन इंटू एफ ऑफ टू की पावर एन, इन दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। मतलब अगर मेरे पास ये एफ फंक्शन जो है वो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इन दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होगा। मतलब अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो ये सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। बस कंडीशन क्या है, फंक्शन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, इस टेस्ट का जो प्रूफ है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट को अप्लाई कैसे करते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, शो दैट द सीरीज समीशन ऑफ वन अपॉन एन की पावर पी वेयर पी इज पॉजिटिव, दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेस इफ पी इज लेस देन इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये हम शो करेंगे यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, वैसे ये है क्या, आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये पी टेस्ट की स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम इस पी टेस्ट का प्रूफ करने जा रहे हैं यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। उस टेस्ट का यूज करके हम इस पी टेस्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बट अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट कब लगता है, अगर फंक्शन पॉजिटिव हो प्लस फंक्शन डिक्रीजिंग हो। हम एफ एन लेट कर रहे हैं, वन अपॉन एन की पार पी को हम एफ एन लेट कर रहे हैं, वेयर पी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये फंक्शन है तो पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी हम चेक करते हैं क्या ये डिक्रीजिंग है या नहीं। देखिए n प्लस वन ग्रेटर होता है n से, जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो वन अपॉन एन प्लस वन लेस देन वन अपॉन एन आ गया, दोनों साइड हमने रेज टू पावर p की करी, p इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये क्या है हमारी एफ एन, और ये चीज़ जो क्या है वो है हमारी एफ ऑफ एन प्लस वन। तो एन प्लस वन ग्रेटर देन एन हमने लेट करा और एफ ऑफ एन प्लस वन लेस देन एफ एन हमारे पास आ गया, इट मीन्स हमारा एफ फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन डिक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव भी है, इट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन होल्ड हो रही है। इट मीन्स इस सीरीज और इस सीरीज, इन दोनों सीरीज का बिहेवियर जो है वो सेम होगा। मतलब अगर हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो हम इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। अगर इस ये जब जब ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी तब तब हमारी ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी, दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली सीरीज़ है समीशन टू की पार एन इंटू एफ ऑफ टू की पार एन, इसका बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, समीशन टू की पावर एन तो हमने ऐसे ही रखा, जो एफ ऑफ एन है वो किसके इक्वल है, वन अपॉन एन की पावर पी के, तो एफ ऑफ टू की पावर एन क्या होगा, एन की जगह हम क्या करेंगे टू की पावर एन पुट कर देंगे, तो ये होगा टू की पावर एन की पावर पी। एफ ऑफ टू की पावर एन की हमने वैल्यू डाल दी, वो क्या है, वन अपॉन टू की पावर एन की पावर पी। अब इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर एन पी, ये टू की पावर एन को हम नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू की पावर एन पी माइनस एन। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर से हमने इन पावर्स में से एन कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बन गया पी माइनस वन, वेयर एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, समीशन इज टेकन ओवर एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। जब एन को वन पुट करा तो फर्स्ट टर्म हमारी बन जाएगी वन अपॉन टू की पार पी माइनस वन, जब एन को टू पुट करा ये बन जाएगी, जब एन को थ्री पुट करा ये बन जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ जीपी सीरीज राइट, विद कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा वन अपॉन टू की पार पी माइनस वन, ये हमारा कॉमन रेशियो होगा, ये जीपी सीरीज है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। अब जीपी सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जीपी सीरीज कन्वर्ज करती है अगर कॉमन रेशियो लेस देन वन हो तो जीपी सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो कॉमन रेशियो तो जीपी सीरीज हमारी डाइवर्ज करती है, ये रिजल्ट होता है। अब जो पहला केस है,
ठीक है, जो स्टेटमेंट में पहला केस हम लेट करेंगे पी ग्रेटर देन वन, दूसरा केस हम लेट करेंगे पी लेस देन इज इक्वल टू वन। अब जब पी ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, तो वन को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा पी माइनस वन इज पॉजिटिव, दोनों साइड टू रेस टू पार कर देते हैं, टू रेस टू पार पी माइनस वन इज ग्रेटर देन टू रेस टू पार जीरो, टू रेस टू पार जीरो किसी भी चीज़ की पार जीरो किसके इक्वल होता है, वन के। तो ये हमारे पास आ गया टू की पार पी माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ जाएगा हमारा वन अपॉन टू की पार पी माइनस वन इज लेस देन वन, ये चीज़ आ जाएगी हमारी। और जो पी है वो तो पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ये वाली चीज़ ग्रेटर देन जीरो, ये तो ऑब्वियस सी ही चीज़ है, ठीक है। तो जो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमारा लेस देन वन आ गया। अगर कॉमन रेशियो लेस देन वन आ जाए तो जो हमारी जीपी सीरीज़ होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अब इस सीरीज़ का कॉमन रेशियो, दिस इज अ जीपी सीरीज़ और इसका कॉमन रेशियो लेस देन वन आ गया, इट मीन्स ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। फॉर व्हाट केस? फॉर द केस व्हेन पी इज ग्रेटर देन वन, मतलब जब पी ग्रेटर देन वन होगा तब ये वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये जीपी सीरीज़ है और इसका कॉमन रेशियो लेस देन वन है, वो हमने देख लिया। अब सेकंड केस बनाते हैं, जब पी लेस देन इज इक्वल टू वन होगा, जब पी लेस देन इज इक्वल टू वन होगा, पी को हम इस साइड ले आते हैं तो वन माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, दोनों साइड टू रेस टू पार कर दिया, टू रेस टू पार वन माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रेस टू पार जीरो, टू रेस टू पार जीरो को हम वन लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने से ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको ऊपर ले गए तो ये बन जाएगा टू की पार पी माइनस वन इज लेस देन इज इक्वल टू वन, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू की पार पी माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। अब ये क्या था? ये है हमारा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्ज करती है, मतलब ये जो सीरीज़ है इसका कॉमन रेशियो ग्रेटर देन, ये जीपी सीरीज़ है और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी हमारी, ठीक है। तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी फॉर पी ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे पी आएगा, तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी फॉर पी, सॉरी यहाँ पे आएगा दिस सीरीज इज डाइवर्जेस फॉर पी लेस देन इज इक्वल टू वन, ये चीज़ आएगी फॉर पी लेस देन इज इक्वल टू वन, क्योंकि हम कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन पी इज लेस देन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, ये जो सीरीज है डाइवर्ज करेगी फॉर पी लेस देन इज इक्वल टू वन, ठीक है। पी लेस देन इज इक्वल टू वन के लिए ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, इट मीन्स जो समीशन एफ एन सीरीज है, मतलब समीशन वन अपॉन एन की पावर पी सीरीज है, ये भी डाइवर्ज करेगी फॉर पी लेस देन इज इक्वल टू वन, एंड ये सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे वन आएगा, यही हमने प्रूफ कर दिया, हमने पी टेस्ट का प्रूफ कर दिया कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यूज़ करके, ठीक है। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट हमने क्यों यूज़ करा? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग भी था, पॉजिटिव भी था, इसलिए हमने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट यूज़ करा, ठीक है। और हमने समीशन एफ एन की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस शो करी बाय यूजिंग द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ समीशन टू की पार एन इंटू एफ ऑफ टू की पार एन सीरीज, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिखाकर हमने समीशन एफ एन सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस शो करी, ठीक है। इस तरीके से हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।